अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने इन बच्चों की। हकीम स्पिनर कैंडी जैसी दूध और मक्खन से है बनती, भर देगी तुम में ताकत और फुर्ती। यही है किम्स स्पिनर कैंडी। मुबारक मुबारक। थैंक यू हारू, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। लो भैया आलिया, नई जिंदगी की इब्तदा पर मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है, देखकर बताओ, सच सच बताना कैसा है। बहुत हसीन है, बहुत अच्छा। थैंक यू। खाला मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक लाए ना। बाहर लॉन्च में बड़ी मेज पर खाने पीने की चीजें रख दी, आप मेहमानों को वहीं ले आए। ठीक है, आप इंतजाम करें, मैं मेहमानों को लेकर अभी आता हूँ। आलिया, तुम जदीद दौर की दुल्हन हो, यहाँ बैठकर शर्माओ नहीं बल्कि मेहमानों की खातिर करो। नहीं भाई नहीं, दुल्हन दुल्हन है बल्कि दूल्हा भी दूल्हा है। आज हम दोनों सरबनी की चीफ गेस्ट है, कम से कम हमें यहाँ सर्व करो। भले दुल्हन नखरे न करे, तुम जरूर नखरे करो। अच्छा यार, मैं यही ले आता। थैंक यू यार। ये देखिए, हारून ने दिया। इट्स ब्यूटीफुल। क्या सोच रही हो बताओ ना। सोच रही हूँ हर ख्वाब अधूरा या बेताबिर नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे तपती हुई धूप में से रंगीन धुन में आ गई हूँ। इसका मतलब है तुम्हें मेरे वादों पर इत्मीनान नहीं था। आप पर तो था, अपनी किस्मत पर नहीं था। ये तो हमेशा की धोखेबाज है ना। अब तो खुश हो ना, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। आपसे शादी हो गई, रानी तो मैं बन गई ना। मैं भी बाहर की झूठी आस में खुद को कब तक बहलाता हूं। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस एक बात का डर सा लगा रहता है। यानी कि अभी भी डर मौजूद है, क्या है वो? कि कहीं कहीं ये खुशबख्ती ढल ना जाए, कहीं कोई आपको हमसे छीन ना ले और कहीं फिर से मैं अकेली ना हो जाऊं। कमौन आलिया, इतना कमजोर समझती है मुझे? आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लेकिन ये दुनिया वाले, ये लोग। भूल जाओ सारी फिक्र और खौफ को, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं मेरी मोहब्बत भी हो। वैसे
वैसे तुम खुश हो ना? आप अपनी बात कीजिए। बहुत ज्यादा, इतनी बड़ी और हसीन खुशी जिंदगी में पहली बार देखी है। मकसूद को कागजात देकर पोर्ट भिजवा दो। क्या बात है सर, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा हो जैसे कि पूरा का पूरा सूरज निकल आया हो। ये रोशनी, ये चमक, ये रौनक कुछ ज्यादा नजर आ रही हो। खैर, तुम हाशमी साहब को फोन करके पेमेंट मंगवा लो। आज मुझे जल्दी घर वापस जाना है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप को पागल कर देते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो बेवकूफ बनाते हैं। जी रानी माँ, आदाब रानी माँ। अच्छा खैर, ये बताओ कल से गायब कहाँ हो तुम? जी वो इस्लामाबाद गया हुआ था, आपको बताया तो था, शायद आपको याद नहीं। हाँ लेकिन पहले घर आना चाहिए था फैज साहब, फिर ऑफिस जाते। जी वो कई काम निपटाने थे मुझे। खैर जल्दी घर आओ, शाकरा की तबीयत ठीक नहीं है। ओ, क्या हुआ रानी माँ? शाकरा को बहुत तेज बुखार है। फोन कर दूँ डॉक्टर को? नहीं नहीं, मैंने खाकसीर पिलाकर खमीरा चटा दिया। चलो ठीक है, फिर तुम ऐसा करो ले आओ डॉक्टर को, मुझे उससे कुछ और बात भी करनी है।